अक़दस एक बार आई
सदाए रोज़े अक़दस से एक बार आए मेरी जान मेरे दिलदार अलविदा। हजरत आप हजरत के सामने अभी ज़ुलजनाह मुबारक की ज़ियारत कराई गई। ज़ुलजनाह मुबारक बरामद हुआ। अब इसके बाद हसब दस्तूर कदीम और तारीख़ी एतबार से भी ज़ुलजनाह के फ़ौरन बाद यके बाद दीगरे एक के बाद एक हमारी आती जाएंगी और सभी हजरात ज़ियारत से मुशर्रफ़ होते जाएंगे। लेकिन हाँ, ज़रा तसव्वुर करिए कि आज हमारे सामने जो ये मंज़र दिखाया जा रहा है, जो मंज़रकशी की जा रही है, ये उस 28 रजब की मंज़रकशी की जा रही है कि जिस 28 रजब को हुसैन ने मदीना छोड़ा था, वो 28 रजब के जब रूह मदीना जाने मदीना ने मदीना को अलविदा कहा और इतनी शान व शौकत के साथ, इतनी इज़्ज़त व आबरू के साथ मदीने के लोग आपके गिर्द जमा थे कि हर एक वाह हुसैना की आवाज़ बुलंद कर रहा था, हर एक अलविदा की आवाज़ बुलंद कर रहा था। अब यहाँ पर आपके सामने अली की बड़ी बेटी जनाब ज़ैनब उलिया मकाम की अमारी आने वाली है। लेकिन हाँ, एक ख़ास बात यह है कि इस अमारी पे फ़कत ज़ैनब अकेली नहीं है, बल्कि इस अमारी पर ज़ैनब के साथ साथ वो 4 साल की बच्ची भी है जिसे हुसैन बे इंतहा प्यार करते थे, जिसे ज़ैनब बे इंतहा चाहती थी। रावी कहता है, हमीद इब्ने मुस्लिम बयान करता है कि जब मैं महल बनी हाशिम में पहुंचा तो मैंने जाने के बाद बड़ा अजीब व गरीब मंज़र देखा। मैंने देखा कि एक के बाद एक नाका लाया जा रहा है और उस पर बीबियों को सवार किया जा रहा है। कभी एक निकाब पोश मुअज्जमा आई तो कासिम ने आगे बढ़ के सवारा दिया, फिर दूसरी बीबी आई तो उन्होंने मोहम्मद ने आगे बढ़ के सहारा दिया, फिर कोई बीबी आई तो जनाब अली अकबर ने आगे बढ़ के सहारा दिया। लेकिन मुतवज्जे रहेंगे, आज़ादारों ज़रूर क्रिया करेंगे। रावी कहता है कि मैंने देखा जब भी कोई सवारी आती थी और जब भी कोई बीबी सवार होती थी तो कभी अब्बास कभी अली अकबर आगे बढ़ के सवार करते थे और हुसैन एक गोशे में बैठे हुए थे। लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही, मैंने देखा एक मरतबा जहरा की हवेली का दरवाज़ा खुला, सर से ले के पाँव तक निकाब पोश मुअज्जमा बाहर आई। अब मैंने देखा कयामत का मंजर कि हुसैन जिस मसनद पे खड़े हुए थे, हुसैन उस मसनद को छोड़ के बुलंद हो गए, हुसैन खड़े हो गए, एक तरफ से अब्बास आगे बढ़े, एक तरफ से हुसैन आगे बढ़े, एक तरफ से अली अकबर आगे बढ़े। मैंने क्या देखा, जैसे जैसे वो बीबी आगे बढ़ती जा रही थी, मौला अब्बास उनके निशाने कदम को मिटाते जा रहे थे। मैं समझ तो न सका लेकिन ये कौन है, लेकिन हाँ इतना जरूर समझा कि जिसके पर्दे का इतना ज्यादा एहतराम हो वो कोई और नहीं, जहरा की लाडली अली की बेटी ज़ैनब उलिया मकाम है। लीजिए आज़ादारो, जनाब ज़ैनब की सवारी पेश की जा रही है। मशहूर है ये सानिये ज़हरा के लक़ब से, मशहूर हैं ये सानिये ज़हरा के लक़ब से, ज़ैनब की सवारी है करीने से अदब से, आलम की खुदादी है
नवास रसूल के हम शेर हैं हुसैन के बेटी बतूल के बाले सकीना है जो शहीदी की लाडली है साथ में लिए हुए आलम की खुदादी ये बच्ची पलट करना मदीने में आएगी ये बच्ची पलट करना मदीने में आएगी हिजर बदर में शाम की बस्ती बसाएगी जनाब इना हुसैन साहब से गुजारिश है कि वो नकाबत के लिए तशरीफ लाएं। हजरत अज़ादारों आपने जनाब ज़ैनब उलिया मकाम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत फरमाई, अब इनके बाद जो हमारी आने वाली है वो हमारी जनाब उम्मे कुलसूम और जनाब उम्मे लैला की हमारी है। वो उम्मे कुलसूम के जो अली की बेटी हैं, वो उम्मे लैला के जो अली अकबर जैसे जवान बेटे की माँ। जनाब उम्मे कुलसूम की एक मुख्तसर सी रवायत पेश करके जनाब उम्मे लैला के हवाले से एक जुमला पेश करना चाहता हूँ। ये उम्मे कुलसूम अली की वो लाडली हैं, अली की वो मज़लूमा बेटी हैं कि जिनका रोना कभी अब्बास से बर्दाश्त नहीं था। मैंने रवायत में देखा है कि करबला के मैदान में जब शब आशूर अब्बास हर एक खैमे में गए तो अब्बास ने देखा कि हर एक बीबी अपने वारिस को अपने सामने बिठा कर उसे हौसला दे रही है कि कल तुमको हुसैन पे जान को कुर्बान करना है। लेकिन अब्बास इत्तेफाक से जब उस खैमे में गए जहाँ पे उम्मे कुलसूम अपने सर को झुकाए हुए बैठी हुई थी, अब्बास ने क्या देखा, उम्मे कुलसूम ज़ारो कतार गिरिया कर रही हैं। आगे बढ़ के पूछा, ऐ बहना ये गिरिए का सबब क्या है। उम्मे कुलसूम ने कहा, भैया तुम खुद ही इंसाफ से बताओ कि अल्लाह ने सबको तो औलाद दी है ना, जो अपने बेटों को कल मेरे भैया पे कुर्बान कर देंगी, लेकिन मैं इतनी बदनसीब हूँ कि लावलद हूँ, मैं किसे कुर्बान करूँगी। अब्बास ने रो करके तसल्ली बख्श जुमला कहा, ऐ बहन घबराओ नहीं, अगर तुम्हारे पास कोई बेटा नहीं है ना तो ये तुम्हारा भैया अब्बास तो है जो तुम्हारी तरफ से अपनी जान को कुर्बान कर देगा। मादरे अली अकबर जनाब उम्मे लैला, वो उम्मे लैला जिन्होंने अली अकबर को कितने नाज़ो मोहब्बत से पाला था। 18 साल की उम्र नौजवानी की उम्र हुआ करती है आज़ादारों, लेकिन हाँ इस कायनात ने एक ऐसा बदतरीन दिन भी देखा कि जब इस चाँद को ग्रहण लग गया। करबला के मैदान में जब इस चाँद को ग्रहण लगा, मुझे पूरे मसायब नहीं पढ़ना है, बस दो जुमले अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब अली अकबर शहीद हो गए तो मादरे अली अकबर उम्मे लैला का हाल क्या था। जनाजा उठा करके हुसैन मैदान करबला से खैमे में लाए और हुसैन देखते हैं कि तमाम सैदानियाँ हैं जो वाह अली अकबरा वाह हुसैना का मातम कर रही हैं, लेकिन हाँ हुसैन की नज़रें किसी को तलाश कर रही हैं। ज़ैनब ने पूछा, भैया किसे तलाश कर रहे हैं। हुसैन ने कहा, मुझे अली अकबर की माँ नज़र नहीं आ रही है। अली अकबर की माँ को बुला के लाओ कि तुम्हारा लाल खून में नहा के आया है। हाज़ादारो ज़ैनब गईं उम्मे लैला के खैमे में, जैसे ही पहुँचीं तो क्या देखती हैं, उम्मे लैला कभी खैमे के इस दर से टकरा रही हैं, कभी उस दर से टकरा रही हैं, कभी उस दर से टकरा रही। तड़प के आवाज़ दी कि अय भाभी अली अकबर की लाश आई है, अली अकबर का जनाजा आया है, क्या मातम करने के लिए न जाएंगी। अरे लैला ने ऐसा जुमला कहा कि कलेजा फट जाता है,
उम्मे लैला ने कहा, ऐ शहजादी, मैंने जब से सुना कि मेरा बेटा जमीन करबला पे गिर गया, मुझे खैमे का दरवाजा नजर नहीं आता। मेरा हाथ पकड़कर मेरे लाश, मेरे बेटे की लाश तक पहुंचा दीजिए, लीजिए वो हमारी आप हजरात के सामने। कुलसुम बिनते फातह बदरो हुनैन है, क्या शानो एहतराम से बाजे बुजैन है। कुलसुम बिनते फातह बदरो हुनैन है, क्या शानो एहतराम से बाजे बुजैन है। है लाडली ये हजरत खातून जना की, है लाडली ये हजरत खातून जना की, छोटी बहन है सरवरो शाह दो जहां की। अब इस अमारी के बाद करबला की उस खातून की अमारी आप हजरात के सामने पेश की जा रही है, जिसे अल्लाह ने दो औलादें अता की थीं, जिसके पास दो अमानतें थीं, एक सकीना की शक्ल में और एक अली असगर की शक्ल में। लेकिन हाय उम्मे रबाब, तेरा मकद्दर कि एक को करबला के मैदान में खो दिया और एक को जिंदान शाम में खो के आ गई। है उम्मे लैला फातिमा जहरा की जो बहू है, उम्मे लैला फातिमा जहरा की जो बहू, मिसले जनाबे हाजरा ये भी है नेक खू, मशहूर है जो यूसुफे सानी अली अकबर, मशहूर है जो यूसुफे सानी अली अकबर, माँ है उन्हीं शहजादे की ये गैरत अख्तर, ये शहर बानों की है सवारी करीने से जाती है आज करबो बला को मदीने से, शानो शरफ वकार से वाकिफ है सब जहां, चौथे
इमाम सैयद सज्जाद की है माँ आती है अब सवारी जनाबे रबा की आती है अब सवारी जनाबे रबा की जोजा है जो किस्बते रिसालत माकी झूले के साथ साथ में देती हैं लोरियां झूले के साथ साथ में देती हैं लोरिया अहले अजाये असगरे मासूम की है माँ। थोड़ा ऐलान करना। अरे तो बच्चे वहां पहुंचे तब ना जना फिजा की आखिरी सवारी बची हुई है। अब आपके सामने आखिरी अमारी जनाब फिज़ा की अमारी है कि जो रसूल खुदा की कनीज़ी में आई थी, लेकिन तारीख गवाह है कि आपने वो किरदार पेश किया है जो कनीज़ का किरदार नहीं होता है बल्कि एक माँ का किरदार होता है। इस तरीक़े से हसन व हुसैन की तरबियत की, इस तरीक़े से रसूल ज़ादियों की, नबी ज़ादियों की, अली ज़ादियों की तरबियत की है कि तारीख गवाह है कि हमेशा ख़ानदान अहले बैत ने आपको माँ के नाम से पुकारा है। एक मरतबा रसूल खुदा ने जनाब फिज़ा से अपनी ज़िंदगी में एक सवाल किया कि ऐ फिज़ा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कहा या रसूल अल्लाह, फरमाइए। रसूल ने फरमाया, ऐ फिज़ा ज़रा ये बताएं कि आपने पूरी ज़िंदगी हमारी खिदमत की है, आप इसका सिला क्या लेना चाहती हैं? आपने पूरी ज़िंदगी हमारी खिदमत की है, हमारे लिए ज़हमतें उठाई हैं, मैं आपको इसकी क्या जज़ा दे सकता हूँ? सुनेंगे आज़ादारो, जनाब फिज़ा ने कहा, अय अल्लाह के रसूल, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक दुआ चाहिए। साहिबान औलाद का मजमा है, मुलाहिज़ा फरमाइएगा। कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक दुआ चाहिए। पूछा कि बताओ तुम्हें कौन सी दुआ चाहिए? कहा बस हाथों को उठा करके ये दुआ कर दीजिए कि अय परवरदिगार, तू फिज़ा की उम्र इतनी तवील कर दे कि मैं करबला में हुसैन के काम आ सकूँ, कि मैं करबला के बाद ज़ैनब के काम आ सकूं। बस यही वजह है कि जब दरबार में मलऊन ने गुस्ताखी की है जनाब ज़ैनब की शान में, तो जनाब फिज़ा ने आगे बढ़ कर के यही कहा है, ये कैसे हो सकता है कि कनीज़ के होते हुए मालिका पे ताज़ियाना पड़े? जनाब फिज़ा ने अपने आप को आगे बढ़ा दिया, 700 कुर्सी नशीन बैठे हुए थे, और एक जुमला कहा कि क्या तुम में कोई ऐसा गैरतदार नहीं है जो हबश का रहने वाला हो और अपनी शहजादी की इज्जत की हिफाजत कर सके? रावी कहता है 40 नंगी तलवारें बाहर आ गईं और कहा, ऐ यजीद, अभी तक तूने जो कुछ कहा वो हमने किया, लेकिन हाँ अब इसके बाद अगर तुमने एक जुमला भी कहा तो हम तुझे बख्शेंगे नहीं। बस ज़ैनब ने जैसे ही ये मंजर देखा फरात का रुख किया, अरे भैया अब्बास, अम्मा फिज़ा के मददगार नजर आ गए, लेकिन हमारी मदद करने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है। ये है कनीज़े फातिमा फिज़ा की सवारी, ये है कनीज़े फातिमा फिज़ा की सवारी, है ज़ीस्त अहले बैत की
खिदमत में गुजारी कुलसुम को और ज़ैनबे दिलगीर को पाला कुलसुम को और ज़ैनबे दिलगीर को पाला बेटे की तरह शब्बरो शब्बीर को पाला। अज़ादारो, अब मैं यहाँ पर आपका कुछ वक्त लेना चाहता हूँ, इसलिए कि अमारियों का सिलसिला तमाम हो चुका है। अब हमारे सामने कोई अमारी नहीं आ रही है, कोई ताबूत नहीं आ रहा है, कोई सवारी नहीं आ रही है, बल्कि वो अलम आ रहा है जिसे अब्बास ने करबला के मैदान में ऐसा उठाया कि शाने तो कलम हो गए मगर अलम को झुकने नहीं दिया। कौन अब्बास? वो अब्बास के जिसे अली ने नमाज शब में मांगा था, वही अब्बास अली के अलम का वारिस बनकर करबला के मैदान में नज़र आए। इस अलम की सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि अगर आप तारीख़ पे नज़र डालें तो ये वो अलम है जिसे कभी जाफर तैयार ने उठाया, जिसे कभी जनाब हमज़ा ने उठाया, जिसे कभी हैदर कर्रार अली ने उठाया और करबला में मौला अब्बास ने उठाया। इन चारों ने आलम को उठाया। लेकिन आज मुझे इंसाफ से बताइए, जब भी लफ्ज़े आलम हम सुनते हैं तो सबसे पहले तसव्वुर किसका आता है? आज जैसे ही आलम को सुनते हैं तो एक ऐसे आलमबरदार का तसव्वुर आता है कि जिसने करबला के मैदान में आलम की हिफाजत में, दीन की हिफाजत में अपनी जान को क़ुरबान कर दिया। बस दो जुमले मसाइब के मुलाहजा फरमाइए। यह आलम आएगा, मैं सबसे गुजारिश कर रहा हूँ, जब आला मुबारक की ज़्यारत कराई जाए तो बड़े अदब व अहतराम के साथ बोसा लीजिएगा, बड़ी अकीदत के साथ बोसा लीजिएगा, इसलिए कि ये वो आलम है जिसे उठाने वाले के शान कलम हो चुके थे, जिसके शान कलम हो चुके हैं। आज ये आलम हमारे सामने पेश किया जा रहा है। लेकिन हाँ, ये आलम जहाँ अब्बास लेकर के गए थे वहीं पर यह आलम कुछ बच्चों को देख कर तसल्ली भी दे रहा था, तस्कीन भी बख्श रहा था, इसलिए कि जब सकीना की प्यास बढ़ी तो उन्होंने अपने चचा से कहा कि अय चचा, आप पानी लेकर के आइए, अब सकीना में ताबे जब्त नहीं है। बस अब्बास को एक मौका मिला, अब्बास नहर फरात पे आए। लेकिन हाँ, एक जुमला कहा था कि आका मुझे जंग की इजाज़त दे दीजिए। हुसैन ने कहा नहीं, तुम्हें सिर्फ सबील के इंतज़ाम की इजाज़त देता हूँ। अलगरज़ मौला अब्बास मैदान करबला में पहुँचे। पूरी रवायतों को छोड़ते हुए सिर्फ एक जुमला अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मौला अब्बास ने आलम को उठाया, मशकीज़े को भरा, खैमे की तरफ वापस आ रहे थे, किसी शकी ने ऐसा वार किया कि अब्बास का दाहिना बाजू कलम हो गया, किसी शकी ने ऐसा वार किया कि अब्बास का बायां बाजू कलम आ गया। उधर अब्बास ने गिरते हुए आवाज़ दी कि आका ग़ुलाम की मदद को आइए। हुसैन ने कहा या अखी अल आन इन कसरा ज़हरी, भैया तेरे मरने से मेरी कमर टूट गई, भैया तेरे मरने से मेरी कमर टूट गई। अब हुसैन दौड़ते हुए करीब पहुँचे, अलम को उठाया। अब अलम को हुसैन लेके आ रहे हैं, अब्बास नहीं लेके आ रहे हैं, इसलिए कि अब्बास ने यह वादा किया था कि मैं सकीना तुम्हें पानी ज़रूर पिलाऊंगा। लेकिन हाँ, अब्बास वफा न कर सके। जब हुसैन आलम को लेके आ रहे थे तो इधर का मैं माजरा बयान करूं कि इधर दर खैमा पर जनाब सकीना कुछ बच्चों को अपने करीब में बिठा करके ये तसल्ली दे रही थी, अरे बच्चों घबराओ नहीं, अब तुम्हारी प्यास बुझने वाली है, इसलिए कि मेरा वो चचा पानी लेने के लिए गया है जिसने जो भी वादा किया है पूरा हुआ है। भाई बातें हो रही थी, इतने में सकीना ने क्या देखा, आलम नजर आया, कहा बच्चों देखो मेरा चचा आ रहा है। आलम और करीब आया, सकीना ने कहा बच्चों उठो देखो मेरा चचा आ रहा है। आलम और करीब आया, सकीना ने कहा बच्चों मशकीजा लेके मेरे करीब आओ, मेरा चचा नजदीक आ गया, मैं सबको अपने हाथों से पानी तकसीम करूंगी। अरे कयामत हो गई, जब आलम बहुत नजदीक आया तो सकीना ने क्या देखा, आलम तो आया है मगर आलमदार नहीं आया।
पकड़ के बाबा के दामन से लिपट गई। अए मेरे बाबा, मेरे चचा को कहाँ छोड़ आए भाई, भाई बाबा मेरे चचा को ले आओ, आज के बाद मैं कभी भी प्यास की शिकायत नहीं करूंगी। उम्मुल बनीन मादरे अब्बास नामदार, उम्मुल बनीन मादरे अब्बास नामदार, बेटों से वसीयत यही करती हैं बार बार, खातून ने जना से मुझे करना न शर्मसार। अब्बास सैयदा की कमाई से होशियार, पर्दे कशाहजादी के ऐ बेटा रहे ध्यान, पर्दे कशाहजादी के ऐ बेटा रहे ध्यान, शबीर पे वक्त आए तो हो जाइयो कुर्बान।